तो चलिए हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है नाउन को। इन दिस सेशन वी नीड टू डिस्कस नाउन इन डिटेल। हमारा इस क्लास में नाउन के बारे में बात करना है। नाउन को जानना है कि आखिर कहते किसको नाउन है और नाउन का टाइप वगैरह क्या होता है। फिर धीरे धीरे सबको हम लोग डिफाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नाउन लिखा गया है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, बट संज्ञा थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि वो शुद्ध हिंदी होता है। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में संज्ञा मतलब नाउन मतलब नाम, नाम समझते हैं। क्या समझते हैं? नाम समझते हैं। तो किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, कुछ भी चीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं या जिसको महसूस भी कर सकते हैं, हर एक चीज का नाम होता है। बिना नाम का कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज का पहचान उसके नाम से ही होता है और चीजों के नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। ओके, सो जिन जिन चीजों को देख सकते हैं उनके नाम को नाउन कहेंगे, जिनको छू सकते हैं उनके नाम को भी नाउन कहेंगे। बट समटाइम्स कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जिसको आप ना देख सकेंगे ना छू सकेंगे ना ही देख सकेंगे, बल्कि बस फील कर सकेंगे। जो फील कर लेंगे उसका भी तो नाम होगा। उन चीजों के नाम को भी हम लोग क्या मानेंगे? नाउन मान लेंगे। क्लियर? ओके, सो आई हैव रिटन द सेम थिंग ऑन द बोर्ड के नेम ऑफ पर्सन। वही चीज लिखा गया है कि आप बचपन से ये वाला डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इंसान का नाम हो चाहे जगह का नाम हो, एनिमल का नाम हो या चाहे किसी सामान का नाम हो, उन चीजों के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। बट अभी आप थोड़े से एडवांस क्लास में आ गए हैं तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स विच कैन बी सीन टच्ड और फेल्ट देयर नेम्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब वो सारी चीजें जो देखा जा सकता हो, छुआ जा सकता हो या महसूस किया जा सकता हो, उनके नामों को हम लोग नाउन कहते हैं। ये बोल सकते हैं, या फिर ऑल द थिंग्स वट एवर एग्जिस्ट इन द होल यूनिवर्स एवरीथिंग हैज नेम एंड देयर नेम्स आर कॉल्ड नाउन। वो सारी चीजें जो पूरे ब्रह्मांड में संसार में एग्जिस्ट करता है उनके नामों को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। गॉट इट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ग्रामर, क्लासिकल ग्रामर मतलब जो ओल्ड ग्रामर है हमारा, ओल्ड ग्रामर के अनुसार, या फिर उसी को हम लोग क्लासिकल बोलते हैं, क्लासिकल ग्रामर बोलते हैं। तो उस ग्रामर के अनुसार हमारे पास नाउन के पांच टाइप हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ग्रामर वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स। द नंबर वन इज प्रॉपर नाउन। पहला टाइप क्या हमारा? प्रॉपर नाउन। एंड द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। थर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन। फोर्थ हमारा मटेरियल नाउन। और लास्ट हमारा पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ग्रामर। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी आर इन मॉडर्न एज। हम लोग कौन से उम्र में है, कौन से एज में है? मॉडर्न एज में है, मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। सो यहाँ पर एक इंग्लिश भी है, मॉडर्न इंग्लिश, इसमें ग्रामर है मॉडर्न ग्रामर। तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो अभी न्यू ग्रामर है, मतलब कि न्यू प्रिंटेड नहीं बल्कि न्यू अपडेटेड वर्जन, जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं ना, तो कोई एप्लीकेशन यूज हो रहा है तो बना हुआ कोई ऐप है लेकिन बीच बीच में उसमें अपडेट आता है, देखते हैं ना, अपडेट आता है प्ले स्टोर में जाके हमें अपडेट करना पड़ता है। अपडेट का मतलब क्या? आपने ऐप चेंज कर दिया? नहीं, ऐप तो सेम रहता है, आपका एप्लीकेशन सेम रहता है, बट उसके अंदर का कुछ फीचर, कुछ क्वालिटीज, कुछ चीजें चेंज होता है, कुछ चीजें बदल दिया जाता है। हाँ, चाहे उसको एडवांस करने के लिए, आसान करने के लिए, वही काम ग्रामर में भी है। तो हमारा जो क्लासिकल ग्रामर था ना, ओल्ड ग्रामर, इसी में मॉडिफिकेशन हुआ, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा एडवांस करके, आसान करके मॉडर्नाइज कर दिया, इसको मॉडर्न बना दिया, तभी जाके इन पांचों नाउन को शॉर्ट करके, मर्ज करके कितना बना दिया? तीन बना दिया। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? हाँ, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के कितने टाइप होंगे? थ्री टाइप्स होंगे। कौन कौन? एक है प्रॉपर, दूसरा काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो दे आर द थ्री टाइप्स। हाँ, दे बिलोंग टू मॉडर्न ग्रामर, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग स्पेशल नाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाँ,
स्पेशल नाउन भी कहा जा सकता है, और इसका दूसरा नाम स्पेशल नाउन भी है, किसका? प्रॉपर नाउन का। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन। देखिए ये जो काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन तीन वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन? एक मिला काउंट, दूसरा एबल और तीसरा नाउन। अब काउंट का मीनिंग आप जानते हैं ना, गिनना, गिनना या गिनने, और एबल का मीनिंग होता है लायक, लायक बोले, योग्य बोले, और नाउन का मतलब जानते हैं कि इसको नाम कहते हैं। अब तोड़ के देखे तो क्या निकला कि गिनने लायक नाम, मतलब कि काउंटेबल नाउन से पता चला ये गिनने लायक नाम होगा, गिन सकते हैं इसको, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। सो इसमें हम लोग बोलेंगे कि वो सारी नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको ही मानेंगे काउंटेबल नाउन। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि ये मार्कर है, क्या इसको गिन सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। क्या आप ये मुझे गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं। क्या मैं आप लोगों को गिन सकता हूँ? ऑफ कोर्स गिन सकता हूँ। सो जिन चीजों को गिन सकते हैं वो सारी चीजों को क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ओके वेरी गुड। सो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हो, जिसको गिना जा सके, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल दिए पेन, पेन को गिन सकते हैं, बॉय गिन सकते हैं, टॉय गिन सकते हैं, फोन गिन सकते हैं, कार गिन सकते हैं, इन सब चीजों को गिन सकते हैं। क्लियर? ये है हमारा काउंटेबल नाउन। सो बेसिकली काउंटेबल नाउन के अंदर ना दो नाउन और आएगा, कौन कौन? ये कॉमन और कलेक्टिव। ये कॉमन कलेक्टिव नाउन जो दोनों नाउन है, ये दोनों किसका टाइप है? काउंटेबल नाउन का टाइप है। व्हाई? बिकॉज़ कॉमन नाउन कैन बी काउंटेड, कलेक्टिव नाउन कैन बी काउंटेड एज वेल। इन दोनों नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को कहां घुसा दिया जी? नहीं, काउंटेबल में घुसा दिया। कहां घुसा दिया? काउंटेबल में। तो ये पहले पांच टाइप जो था ना, इसी को शॉर्ट करके तीन किया ना मॉडर्न में, तो प्रॉपर को प्रॉपर रहने दिया। ये जो कॉमन और कलेक्टिव है, इन दोनों को मर्ज करके काउंटेबल बना दिया, बाकी एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को मिला के अनकाउंटेबल बना दिया। व्हाई? बिकॉज वी कांट काउंट दिस नाउन्स, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते, इसीलिए इसको क्या बना दिया? अनकाउंटेबल नाउन बना दिया। समझे? चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नाउन पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या पाया। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन हुआ। बट हमने क्या बताया कि काउंटेबल नाउन के अंदर दो नाउन बिलोंग करता है, कौन कौन? एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। सो बेसिकली कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन हाँ बिलोंग टू काउंटेबल नाउन, इन दोनों को गिन सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं तो हमें बेहतर समझ में आएगा। अब बताइए तो बाइसिकल को गिन सकते हैं जी? बाइसिकल क्या गिना जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा बताइए सैंड को, बालू को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। ये काउंटेबल होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा बताइए शर्ट को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, काउंटेबल हो जाएगा। अच्छा बताइए मनी कौन सा नाउन होगा? मनी होगा क्या? हाँ मनी हमारा काउंटेबल नाउन नहीं है। व्हाई? क्योंकि अभी मनी को बोले गिन तो लेते हैं ना, वो हम लोग गिनते नहीं है बल्कि वहां पर अमाउंट क्रिएट करते हैं। ये हमारा काउंटेबल नाउन से बाहर है। वो क्यों है? हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में जब जाएंगे ना तो इस चीज को वहां पर डिस्कस करेंगे कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है बल्कि अनकाउंटेबल नाउन है। दैट्स व्हाई दिस वन इज इनकरेक्ट फॉर काउंटेबल नाउन। और ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बल्ब, बल्ब क्या होगा? काउंटेबल नाउन। सोल्जर काउंटेबल नाउन, सोल्जर समझते हैं, सैनिक। अच्छा यही बोले पुलिस मैन, क्या बोले? पुलिस मैन। ये क्या होगा? ये भी काउंटेबल हो जाएगा। अच्छा यही बोल दे ट्राइपोड, क्या बोले जी? ट्राइपोड। ये भी हमारा क्या होगा? कलेक्टिव सॉरी काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये आर्मी बोल दे आर्मी, ये भी आपका काउंटेबल नाउन है। क्राउड बोल दे क्राउड, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। बैच बोले तो भी कलेक्टिव नाउन है। ये बोल दें हम लोग फ्लॉक, फ्लॉक भी आपका कलेक्टिव नाउन है। हम लोग बोल सकते हैं बैंड, क्या बोलेंगे? बैंड। ये बैंड, ओ म्यूजिशियन सबका बैंड होता है, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा।
हाँ तो म्यूजिशियन के ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा बोल सकते हैं या बैंड भी बोल सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। आप इसको पहले नोट कर लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अभी बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। तो हम लोग बातचीत करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर ना जी। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो ये चार वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन, तो देखिए अभी दिखाते हैं। ये अन प्लस काउंट प्लस एबल, अब बाकी ये चौथा नाउन। अन का मीनिंग होता है नहीं, क्या होता है जी, नहीं, और बाकी काउंट का भी हम लोग बात किए हैं, गिनना या गिनने। और एबल का मीनिंग क्या बताएं, लायक। बाकी नाउन तो जानते ही हैं, नाम। आप देखिए तो क्या हुआ, नहीं गिनने लायक नाम, मतलब जिस नाम को नहीं गिन सकते वही हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये डेफिनेशन, नाम में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है, डेफिनेशन वगैरह छुपा हुआ है। यू कैन डिफाइन दिस वन बाई दिस नेम। तो क्या लिखा है हमारा अनकाउंटेबल में, कि द नाउन, मतलब के ऐसा नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको कभी भी गिना ना जा सके, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोल दिया वाटर, क्या वाटर को गिनते हैं जी? ना, वी नेवर काउंट वाटर, हम लोग वाटर को गिनते ही नहीं है। हाँ, अब बॉटल ऑफ वाटर गिन लेते हैं, पानी का बॉटल है तो गिन लेंगे, बट पानी को नहीं गिनेंगे। अच्छा बताइए, एयर को गिन सकेंगे? एयर में हॉटनेस कोल्डनेस ये सब को गिन सकते हैं? ना, हॉटनेस को कोल्डनेस को नहीं गिन सकते। अच्छा बताइए कि हनी को गिन सकते हैं? हनी नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते, गोल्ड नहीं गिन सकते, सिल्वर नहीं गिन सकते, ऐसे ही सैंड यानी कि बालू को नहीं गिन सकते, सॉइल को, मिट्टी को नहीं गिन सकते, ऐसे ही हम लोग ये क्या बोलते हैं, ब्रेवरी को नहीं गिन सकते, हाँ ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, और जिनको गिना नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दे कैन नॉट बी काउंटेड, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी ना दो टाइप होता है, हमने अभी अभी बताया आपको। काउंटेबल नाउन के अंदर दो टाइप होता है, कौन कौन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी दो टाइप होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैज टू टाइप्स। कौन कौन भाई साहब? एक आपका मटेरियल नाउन, क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, और दूसरा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो पहला क्या मिला, मटेरियल नाउन, दूसरा मिला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों को नहीं गिन सकते, इन दोनों को नहीं गिन सकते। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल को ऊपर ऊपर समझ गए। अब इसके अंदर जो मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, कलेक्टिव है, इन सबको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बावजूद फिर हमें प्रॉपर नाउन को भी डिस्कस करना पड़ेगा, तो आज हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट नाउन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।